जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी में निकली एक और नई भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही आप टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के सेक्शन में ये फ्लैश होते हुए भर्ती के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अंडर TA ग्रुप हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों, ये है इस भर्ती की नोटिफिकेशन। तो ये जो भर्ती है दोस्तों वो 12 नवंबर से 26 नवंबर 2024 के बीच में कंडक्ट कराई जानी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है वो कौन कौन सी बटालियन में होनी है। तो दोस्तों 107 इन्फेंट्री बटालियन TA गोरखा राइफल, 113 इन्फेंट्री बटालियन TA राजपूत, 119 इन्फेंट्री बटालियन TA आसाम और 121 इन्फेंट्री बटालियन TA गढ़वाल राइफल में ये जो भर्ती है वो कंडक्ट कराई जानी है। वैकेंसीज की बात करते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि GD की दोस्तों यहाँ पर 328 वैकेंसीज हैं, सोल्जर चेफ की 17 वैकेंसीज हैं, हाउसकीपर की 11 वैकेंसीज हैं, हेयर ड्रेसर की दोस्तों 9 वैकेंसीज हैं, सोल्जर वाशरमैन की 10 वैकेंसीज हैं, सोल्जर टेलर की 1 वैकेंसी है, सोल्जर कुक मैस की 2 वैकेंसी हैं, सोल्जर चेफ स्पेशल की 1 वैकेंसी है और सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर यानी कि EVER की हैं दोस्तों यहाँ पे 2 वैकेंसी, सोल्जर आर्टिसियन की 1 वैकेंसी है और सोल्जर क्लर्क की 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी वैकेंसी की डिटेल। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट इज एज अंडर, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की, किस स्टेट की कहां पर कब भर्ती होनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो मैं 12 तारीख से लेके यहां से लेके और यहां तक 26 नवंबर तक जो ये बात करूंगा वो जो भर्ती है वो 7 आसाम पुलिस बटालियन ग्राउंड कोकराझार आसाम में होनी है। ठीक है, तो 12 और 13 नवंबर 2024 के लिए सिक्किम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की जो है वो भर्ती होनी है। 14 नवंबर के लिए दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि है नदिया, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगनास एंड साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट की जो है वो भर्ती कंडक्ट कराई जानी है। 15 नवंबर 2024 के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होनी है जिसमें दोस्तों पश्चिम बर्धमान एंड पूर्व बर्धमान की जो है वो भर्ती होनी है। 16 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल की, उनकी भर्ती होनी है, पश्चिम मिदनीपुर और पूर्व मिदनीपुर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जो 17 तारीख 18 तारीख ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं इनकी भर्ती इनके सामने दी हुई डेट में होनी है। ठीक है, 19, 20, 21 और यहाँ 26 तक। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट जिस भी डेट में आ रही है उस डेट में आपके लिए 7 आसाम पुलिस बटालियन कोकराझार आसाम में पहुंचना है। रिपोर्टिंग का टाइम है दोस्तों सुबह 5 बजे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। और 12 नवंबर से 26 नवंबर तक फिर से दोस्तों भर्ती है, सॉरी 12 नवंबर से 23 नवंबर तक फिर से भर्ती है और ये जो भर्ती है वो मिसामारी मिलिट्री स्टेशन सिलचर आसाम में भर्ती होनी है। ठीक है, मतलब प्लेस कहां पर है, आपको रिपोर्ट कहां करनी है, मिसामारी मिलिट्री स्टेशन सिलचर आसाम में। चलिए, तो 12 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों नागालैंड की भर्ती होनी है, 13 नवंबर 2024 के लिए मिजोरम की, 14 नवंबर 2024 के लिए मेघालय की और 15 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लोअर आसाम। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर डेट दी गई है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है कि कौन से स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट की भर्ती किस डेट में होनी है। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लीजिए और आपकी डिस्ट्रिक्ट के नाम जिस भी डेट के सामने लिखा हुआ है उस डेट को आपको मिसामारी मिलिट्री स्टेशन सिलचर आसाम में सुबह 5 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिजिकल, मेडिकल, एज लिमिट, इस टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट है दोस्तों इस भर्ती की 18 से 42 साल। ठीक है, अगर आपकी 18 से 42 साल यानी कि 42 ईयर्स तक जो है आपकी एज है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, एकदम परमानेंट भर्ती होती है ये।
इसमें आर्मी और टेरिटरी आर्मी में कोई भी अंतर अब नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन इसमें भर्ती के जो नियम है वो पुराने ही चल रहे हैं अभी तक। जैसे कि नॉर्मल आर्मी में 18 से 21 या 23 साल तक ही भर्ती कराई जाती है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में दोस्तों 18 से 42 साल तक के जो युवा है वो भर्ती देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क में दोस्तों आपको किसी भी स्ट्रीम से यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में 12+2 पास होना जरूरी है, 60% मार्क्स आपके ओवरऑल और 50% मार्क्स आपके जो है वो किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्लास 12th में आपके पास मैथ, अकाउंट बुक या फिर इंग्लिश ये होनी जो है वो जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन क्लास 10 आपको सिंपल पास होना चाहिए, 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मैस कीपर के लिए दोस्तों को ओनली 8वीं पास अगर आप हैं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 160 सेंटीमीटर नॉर्मल कैंडिडेट से हाइट ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग एंड कोकराझार, सॉरी कालिम्पोंग, और इंडियन डोमिसाइल गोरखा, गढ़वालीस एंड लद्दाखी जो है उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट ली जाएगी, इनको 3 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। ओके चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट आप खड़े हुए हैं 77 सेंटीमीटर, सांस भरने के बाद में यानी कि एक्सपेंड करने के बाद में, फुलाने के बाद में आपका चेस्ट जो है वो 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वेट वेट दोस्तों आपकी हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कमेंट करें, मैं आपको एक वेट और हाइट के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। ओके चलिए रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सॉरी सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वॉर विडोज एंड विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो है दोस्तों वो हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 2 केजी की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल के भी, तो आपके लिए हाइट में 3 सेंटीमीटर की, वेट में 3 केजी की और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। ओके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, PFT की, तो इसमें आपका दोस्तों जो है वो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 60 नंबर की आपकी रनिंग होगी और 40 नंबर का आपका होगा पुलअप्स। तो दोस्तों अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप इस रेस के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड से पहले पास करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे 1 मील रन के लिए, 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तक जो पास करेंगे उनके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपकी एज 31 से 42 साल है तो आप अगर इस रेस को 6 मिनट 15 सेकंड में पास करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप इस भर्ती इस दौड़ को पास करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके चलिए पुलअप्स की बात करते हैं, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप 10 पुलअप या उससे ज़्यादा लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स, 9 पुलअप्स 33 मार्क्स, 8 पुलअप 27 मार्क्स, 7 पुलअप्स 21 मार्क्स, 6 पुलअप्स 16 मार्क्स। इसी प्रकार अगर आपकी एज 31 से 42 साल है तो आपके लिए 9 पुलअप्स अगर आप लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, 8 में 33, 7 में 27, 6 में 21 और 5 पुलअप्स भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। बैलेंस एंड 9 फीट डिश क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे मौके जो हैं वो बहुत कम आते हैं जिसमें 18 से 42 साल तक एज ली जा रही है, 10th क्लास और सरकारी नौकरी आपको मिल रही है, तो सभी का भला होना चाहिए, इसलिए इस भर्ती को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई भर्ती के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।